एक दूजे के वास्ते। अरे अभी तक खड़े क्यों हो? आओ ले जाओ कुछ खाओ बेटा बेटा। आओ। अरे सुमन जगा दे, तुम्हारी हॉट सीट रेडी है, बैठ बैठ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंचन ने बुलाया। बस देखते जाओ, बहन का, डमरू का, देविका का, सब का बदला लेगी रे कंचन। अरे अब्बा, वो ठसका लग गया बेटे को, पानी पिलाओ। अरे अरे आंटी, मैं हूँ ना, नो वारी, कोई बात नहीं, आराम से पी। अच्छा, पिला दो भाई। दम घुटा, सांस रुकी, फिर शायद बैंड बजी। नहीं नहीं, भाग जाऊं। ये लोग मेरे सपनों वाले भूत बनकर के ही मानेंगे। श्रवण बेटा, जो मैंने बुक्स दी थी वो पढ़नी शुरू की आपने? जी अंकल, जी अंकल। पानी पी लो। अरे मेरे होते हो तुम खुद कैसे पी सकते हो? मैं पिलाती हूँ। पियो 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 पियो। अब जब माहौल सेट हो ही गया है तो मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट के सरप्राइज बता देती हूँ, जिसका मेन एलिमेंट है श्रवण मल्होत्रा। मैं? और श्रवण तुम? और कौन? बैठो 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 बैठो। ताऊ जी, आपने इसका एडमिशन करवाया था ना स्कूल में, तो आप तो सुनोगे ना तो एकदम हैरान हो जाएंगे। और अंकल, इसने आपका और अपना नाम इतना रोशन किया है ना, क्या ये बताऊं? आंटी 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 आंटी, आप तो सुनेंगी ना तो सोचेंगी क्या बेटा पैदा किया है मैंने। हाँ जी सच्ची। अरे वाह, अपने इस खोते की इतनी तारीफ पहली बार सुन रहा हूँ मैं। इसीलिए बेटा बता दीजिए, इसने मेरा सर ऊंचा कैसे किया है, बताओ। अरे हाँ, खामा खा इतने लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो बात ये है कि कंचा, वो मैं क्या कह रही थी, अब मेरी कसम इसके ही रुक जा कंचन। ओहो, तुम दोनों फुसफुसा बाद में लेना, अब बता भी दो कि क्या किया श्रवण ने। कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज डमरू भैया? डमरू, तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे। जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे डमरू। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं डमरू।
आप लोग थैंक यू दी। आप हमारी फैमिली हो और अंकल आपकी फैमिली है, तो सोचा कि आज के दिन आपकी पूरी फैमिली के साथ मिलके आपका बर्थडे मनाएं। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी बेटा। श्रवण ने भी कुछ कमाल तो किया है। कंचन बता रही थी ना बात बीच में ही रह गई, बोल ना बेटा। ये सब श्रवण ने तो किया है। आई मीन डमरू के बर्थडे पे अंकल को केक के साथ बुलाने का आइडिया श्रवण का ही था। सर, तुम ये बताने वाली थी? जी। दुश्मन ने? मुझे तो हमेशा से ही पता था कि श्रवण सबसे अलग है। तो एक कमाल है, कल तक तो मेरे बर्थडे के लिए घसीटते हुए ले जाना पड़ता था इसे मंदिर, और आज देखो डमरू के बर्थडे के लिए क्या कर दिखाया इसने। जी मेरा बच्चा है ही ऐसा? है नहीं, हो गया है कविता जी, और वो भी सुमन के स्कूल जाकर। एंड फॉर दैट ऑल थैंक्स गोज टू कर्ण। सर झुकाने की जगह मेडल पहना दिया उसे, तूने बहुत गलत किया सुमन। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, श्रवण है ही बहुत अच्छा है। कहाँ वो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्रवण मुंह छुपा रहा होगा कहीं। आई मीन अंकल बहुत शर्मीला टाइप का लड़का है ना, तो तारीफ सुनने से पहले ही कहीं छुप गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हवनी के लिए कुछ करता है तो चार दिन तक सुनाता रहता है, और अब देखो यहाँ खड़े लेने के लिए है ही नहीं। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ना अवनी को छेड़ता है बस, वरना तो अपनी माँ के कदमों पे ही चलता है। निकी कर दरिया में डाल। मिया, मैंने पहले ही कहा था ना कि लैंड माइन पे पैर मत रखना, पर तू तो अपने बापू और उसके बापू दोनों के सर पे एक साथ कूद गया है ना, अब दोनों लैंड माइन एक साथ फटेंगे और तू उसी में मरेगा फूफ करके। भाई अब तू ही मेरा बॉम्ब स्क्वाड है, प्लीज बता यार क्या करूं। बॉम्ब स्क्वाड? एक काम करते हैं, तू सब कुछ भूल जा और नाक की सीढ़ पकड़कर कहीं दूर निकल ले। बेस्ट, समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? सही बोल रहे भाई, दुनिया छोड़ने से अच्छा कि शहर ही छोड़ देता हूँ यार। हाँ सही कह रही है, फटफड़ी तो तेरे पास पहले से ही है, पर एक काम कर, थोड़े से ना पैसे भी ले ले। हाँ ये देख, 500 रुपए मेरे पास, बापू को एडमिशन की फीस बढ़ गई है ये बोल के मांगे थे, संभाल के रखियो, और बच्चे कुछ ये 10 रुपए, पूरे 510 रुपए ले ले और कहीं फरार हो जा, और बाकी के पैसे मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर रही हूँ, तू टेंशन मत ले, जा जा निकल। भाई वॉरंट निकल गया, पापा का फोन है। अबे काट काट, मेरे नहीं नहीं, एक काम कर स्विच ऑफ कर दे। बस मेरे नहीं नहीं, ए ये फोन को इधर इधर इधर, इस पत्थर से फोड़ देते हैं, डम्बरी टीरस नहीं होगा। बस रख रख दे। पागल है क्या तू? आज ही नया फोन दिया है। ओए कमाल है यार मेरा खोता, गालियां सुनने के लिए सामने हाजिर हो जाता है, अब शाबाशी सुनने के लिए फोन भी नहीं उठा रहा है। यार बंटी, तेरे दूर जाने का प्लान तो बहुत दूर का लग रहा है यार, कुछ जल्दी वाला आइडिया बताना यार। जल्दी वाला? वापिस का फोन है पापा। अबे इसको भी काट दे। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर बजने दे, जितना बचता है बचने दे, बचते बचते बंद हो जाएगा, और फिर भी तू मत उठाइयो, चाहे कुछ भी हो जाए बजने दे बजने दे। क्या हो गया? बंद वो झूठा ना फोन ही उठाने वाला। पांडे को ट्राई कर। दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा। एक काम कर, डमरू का फोन लेके आ। हाँ। यार ये कंचन वाला आइडिया देने की सजा में हमें भी मौत मिलेगी, जे नहीं मालूम था तो।
अरे फोन मत उठा, तुम क्या हुआ? मत उठा। अबे तुझे कैसे पता? नहीं अबे ये तो अननोन नंबर है, अननोन नंबर तो मैं पहले उठाता हूँ। अरे क्या पता कोई अनजान सुंदर कन्या का रॉन्ग नंबर होगा और मैं उठाऊ, तू देखना मजे ले तू। हाँ हेलो, खबरदार जो फोन करके आ तो अपने दोस्त को फोन दो। सुमो हाय सुमन, कैसी हो तुम? कैसे कैसे याद किया मुझे? तुम इंडियन टी हाउस पे हो ना? नहीं 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 तो किसने बोला? मैं नहीं हूँ। बड़े बड़े झूठ बोलने का सेंस है पर इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम में। ऐसी जगह छुपके बैठे हो जहाँ बिना ढूंढे ही पकड़े जाओगे। डर के कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं किसने बोला मैं डर रहा था? मैं डरवर नहीं रहा था, बहुत ब्रेव हूँ मैं। हाँ अब मैं तो बस फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर घूमने आया था, बस ऐसे ही। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, हमारे आपस के मैटर में मैं हमारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ श्रवण। अरे पर क्यों? घर पे बताना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मेरे मैटर ही नहीं करता। मैं मैटर नहीं करता क्या? इस फर्क ना पड़ने वाले एटीट्यूड से अच्छा तो तुम गुस्सा ही रह लेते यार। प्लीज स्टॉप, तुम्हारी ये बातें ना मुझ पे वर्क नहीं करने वाली। तो तुमने मेरे लिए गलत फहमी मत रखो। आपस में फैमिलीज ऑकवर्ड ना हो और मेरे पापा की फ्रेंडशिप अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने सिचुएशन संभाल ली। और हाँ, अपने पापा को कॉल बैक कर लो। बट सुमन मैं ना ओ या। और बार बार आई एम ब्रेव बोलने से ना कोई ब्रेव नहीं बन जाता, ब्रेव अपने एक्शन से बनते जो तुम क्लियरली नहीं। सुमन मैं तुम इस गोली बारूद वाली को कल फ्रेंड बना रही हो? अबे इसे तो तुम शादी की बात के लिए पूछो मिया। मैं तो बोलता हूँ सीधा पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, जो बोलना करो। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो पता दिया होता अपने बापू को। मंडी लाइक तुम्हें सुमन को बहुत पहले से करता था यार। राज ना एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट जाग गई उसके लिए मेरे मन में। आज तक कभी फील ही नहीं किया किसी लड़के के लिए ऐसा। इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा दिल, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार? नहीं भाई मैं सुमो को खो नहीं सकता, नहीं खो सकता। मैं सुमो को मना के रहूंगा चाहे जो करना पड़े। ये बात मियां। लेट हो जाएंगे कंचन, कितनी बार खाए, पहले मुझे जाने दिया कर नहाने। अरे 2 मिनट यार, तेरे 2 मिनट के चक्कर में ना स्कूल बस मिस हो जाएगी, जल्दी कर। सॉरी यार सोमो। क्या करूं इसका? वॉशरूम खाली। हाँ? क्या हुआ जाना? ये क्या है? कचरा है।
प्लान वक्त कहाँ गायब हो गया था तू? आज तक तुझे ठीक से जूस पीना तो आया नहीं, फिर डमरू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आइडिया कहाँ से है? सुमन ने बताया मुझे, तुझे होना चाहिए था वहां पर। डमरू अपने पापा को देखकर इतना खुश हुआ, देखने वाला नजारा था। भैया जी कभी इस घर में भी वैसी पार्टी करो ना जी। अच्छा जी। हाँ जी। आपका भी जन्मदिन आता है? हाँ जी, मैडम जी को याद है जी। मना लेंगे जी, पर इस अच्छे से आइडिया को सोचने के लिए एक कप चाय मिलेगी? अभी लाई जी। थैंक यू जी। सच में मानना पड़ेगा शो, कल करुण साहब के घर में सारे बंदे तेरे आइडिया से बहुत ही इंप्रेस थे। And I was very happy. लो जी, आपने ना फिर से कंजूसी कर दी तारीफ करने में। मुझे पीठ थपथपाओ बेटे की, कहो उत्तर आई एम प्राउड। क्यों करूं जी, तारीफ तो फिर मेरी होनी चाहिए ना। तुम सबको आर्मी कॉलोनी में लेकर आया, उसी का तो असर है जी। हाँ, क्या बोलते हैं जी आप? हाँ जी, अब ये बात तो है ना। मेरी सोमो नाराजगी में ऐसा कर गई, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो जान छिड़कूंगा इस पे। मामा मेरा हो गया। नाश्ता तो फिनिश कर। यार कोई भोग के तो बताओ यार। क्यों बे पुच्छल, पीछे से क्या काउं काउं कर रहा है बे? अभी मैंने अपना पॉज बटन दबाया हुआ, क्योंकि तेरी अकल ठिकाने लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ काम कर रहा हूं। जिस दिन वो काम पूरा होगा ना, तब देख। मैं तो डर गया। वैसे तेरे भौंकने से पता चल रहा है कि तू कितना चल रहा है, लेकिन तुझे सहला के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। हाथ तो लगा के देख, काट के ना।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.